सो हेलो एवरीवन। तो अगर आप लोग आईपीएल के टाइम पे ट्विटर यूज़ करते होंगे तो आप लोग को देश के धोनी के बारे में जो एक कैंपेन देखने को मिला था फ्लाइंग बीस की तरफ से, इसके बारे में थोड़ी बहुत तो नॉलेज आप लोग को शायद ही होगी। वेल आई थिंक, मुझे लगता है कि जो इंटरनेट पे ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं उनको तो इस चीज़ के बारे में पता ही होगा। सो फ्लाइंग बीस जो कि इंडियन व्लॉगर है, उनकी तरफ से हमें ये कैंपेन देखने को मिला था जिसमें जिस कैंपेन का नाम था देश का धोनी, जिसके अंदर फ्लाइंग बीस साइकिल चलाकर वो धोनी से मिलने वाले थे। ऐसा कुछ हमें यहाँ पर ये पूरा कैंपेन देखने को मिला था। इसको लेकर काफी अच्छे खासे हैशटैग ट्विटर पे भी देखने को मिले थे। सो फ्लाइंग बीस की तरफ से जो हमें ये कैंपेन देखने को मिला, इस कैंपेन को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किया गया और धोनी के जो फैंस थे वो भी यहाँ पर इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, और ऑब्वियसली फ्लाइंग बीस के फैन तो वो तो सपोर्ट कर ही रहे थे। सो शुरुआत तो देश के धोनी वाले कैंपेन की काफ़ी धमाकेदार हुई थी, लेकिन इसकी एंडिंग कैसे देखने को मिली इसके बारे में बहुत लोग को नहीं पता है। सो फ्लाइंग बीस की तरफ से जो हमें ये कैंपेन देखने को मिला था, ये कैंपेन के बारे में रिवील करना बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी है। इसकी एंडिंग कैसे देखने को मिली, इसको लेकर क्या कुछ देखने को मिला, अभी तक कुछ भी हमें प्रॉपर एक वीडियो के तौर पे नहीं देखने को मिला है जो कि फ्लाइंग बीस की तरफ से। वैसे कैरी मिनाटी का लेटेस्ट वीडियो आप लोग को याद ही होगा जिसमें हमें व्लॉगर्स की पैरेडी देखने को मिली थी, इंडियन सारे व्लॉगर्स की, जहाँ पर फ्लाइंग बीस वाली भी पैरेडी थी, जहाँ पर कैरी मिनाटी इसी चीज़ को लेकर शॉर्ट्स लेते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप लोग को वो क्लिप याद नहीं होगा तो मैं आप लोग को दिखा दूँ। गाइस लगता है कोई और स्पोर्ट से कंटेंट निकालना पड़ेगा, क्रिकेट नहीं हो पा रहा है। गाइस आप पीछे मेरी क्रिकेट किट भी देख सकते हैं, बहुत प्यार से ली थी मैंने, वो रिटायर नहीं हुआ। वो रिटायर हो जाता उसका क्या जाता, लेजेंड तो वैसे ही बने हुए हैं। अगले साल फिर से साइकिल चलानी। सो कैरी मिनाटी के पैरेडी वाली वीडियो के बाद जो कि हमें फ्लाइंग बीस की तरफ से ट्वीट देखने को मिलता है, जहां पर फ्लाइंग बीस बात करते हुए दिखाई देते हैं कैरी मिनाटी को लेकर, जहां पर उनका यह कहना था कि कैरी ने इस चीज की इनसे परमिशन ले ली। देन इसके बाद वो उसका जवाब देने वाले थे दूसरे दिन वीडियो के अंदर, जहां पर एक टीजर देखने को मिलता है देश के धोनी को लेकर, ना कि वो सारी चीजें हमें मतलब एक तरीके से मजाक के तौर पर देखने को मिली थी फ्लाइंग बीस की तरफ से। जिस तरीके से हमें फ्लाइंग बीस की तरफ से ट्वीट देखने को मिला था, लग रहा था कि कोई वर्षी देखने को मिलने वाली है, लेकिन वैसा कुछ हमें नहीं देखने को मिला। वो भी एक फनी वे में मतलब मजाक उड़ाते हुए दिखाई देते हैं इस थिंग को लेकर, और वो भी इन सारी चीजों को काफी ज्यादा स्पॉर्टिंगली लेते हुए दिखाई देते हैं। एंड देश के धोनी को लेकर कोई हमें अब जाके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री टाइप या फिर वीडियो देखने को मिलेगी, जिसको लेकर हमें टीजर देखने को मिलता है फ्लाइंग बीस के चैनल पे। वैसे फ्लाइंग बीस के ऊपर जो कि देश के धोनी के कैंपेन के दौरान हमें कुछ ट्रोल और कुछ मीम वीडियोस भी देखने को मिले थे, और वैसे ही सिमिलर हमें कैरी मिनाटी के अगेंस्ट में जो ट्वीट्स देखने को मिले थे उसके बाद भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला था, जहां पे काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था फ्लाइंग बीस को। वैसे इंटरनेट पे ये सारी चीजें तो हमें देखने को मिलते ही मिलती है, जो कि अगर कोई भी क्रिएटर कैसा भी काम कर रहा हो या फिर कोई भी बड़ी चीजें हमें देखने को मिलती है तो ट्रोल उसके अगेंस्ट में देखने को मिलता ही है। वैसे कह सकते हैं कि फ्लाइंग बीस की तरफ से भी हमें कुछ गलतियां देखने को मिली थी। जो देश का धोनी का कैंपेन हमें स्टार्ट देखने को मिला था, इसकी एंडिंग एक प्रॉपर वे में करनी चाहिए थी। वो उसके बाद दुबई के वाले ब्लॉग्स डालने लगे, दुबई में चले गए थे, लेकिन फिर भी इन सारी चीजों को एक प्रॉपर वे में एंड करना चाहिए था। अगर वो सारी चीज़ें फ्लाइंग बीस्ट अगर प्रॉपर वे में एंड करते तो ये जो ट्रोल हमें देखने को मिलते हैं, ये जो मीम पेजेस देखने को मिलते हैं, इनकी तरफ से ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलती। वैसे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हमें फ्लाइंग बीस्ट की तरफ से एक प्रॉपर वीडियो देखने को मिलेगी इस थिंग को लेकर। होप करते हैं ऐसा ही कुछ देखने को मिले, ये टीजर के दौरान तो ऐसा ही लग रहा है, और लेट्स सी हमें कब तक वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वेल आपका क्या ओपिनियन है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस थिंग को लेकर, इस कॉन्ट्रोवर्सी को लेकर, देश के धोनी कैंपेन को लेकर, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वैसे वीडियो अगर आप लोग को सही लगी हो, पसंद आई हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर फॉलो कर लेना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारी अमेजिंग टाइप के कंटेंट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस।